हे आज की वीडियो एक नमक मिर्ची थ्योरी वीडियो होने वाली है भाई। ये लाइन बहुत क्रिंज है, नमक मिर्ची थी छी भाई छी, मैं ये कभी नहीं बोलने वाला आपसे, ठीक है। बट या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक अपने सब्सक्राइबर की थ्योरी पे, मतलब उसके थ्योरी को यूज़ करते हुए अपना एक थ्योरी बनाया एंड उसको मैं बताने वाला इस वीडियो में। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें तीनों हॉकीज के सबसे एडवांस फॉर्म पे थ्योरी बताने वाला है कि एडवांस फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं। मतलब लेट्स टेक ऑब्जर्वेशन हॉकी फॉर एन एग्जांपल। If basic observation hockey is level 1 and future sight is level 2, then I'll tell you कि मेरे हिसाब से level 3 of observation hockey as well as other types of hockeys क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। And reasons है मेरे पे एंड मैं कुछ एविडेंस भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। ऑब्वियसली मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट, चैप्टर 1079 तक मांगा रीड कर रखा है तभी वीडियो देखो। एंड या लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्विक रिविजन सा कर लेते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ हॉकी। तीन टाइप्स के हॉकी होते हैं, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्करर्स हॉकी। आर्मामेंट हॉकी में यूज़र अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करके अपने बॉडी को हार्डन कर सकता है एंड वो उसे ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस के लिए यूज़ कर सकता है। आर्मामेंट हॉकी यूज़ करके ही एक यूज़र वेपन्स को भी हार्डन कर सकता है। ऑब्जर्वेशन हॉकी में यूज़र अपने आसपास के लाइफ एनर्जी को सेंस कर सकता है एंड इसकी हेल्प से यूज़र ओपोनेंट के फ्यूचर मूव्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एंड कॉन्करर्स हॉकी में यूज़र अपने विल पावर को दूसरों पर एक्सर्ट कर सकता है। वीक विल पावर वालों को एक कॉन्करर्स हॉकी का यूज़र बेहोश भी कर सकता है एज वेल एज टरा भी सकता है। तीनों टाइप के हॉकीज़ के हमने एडवांस्ड फॉर्म भी देख रखा है। एडवांस्ड आर्मामेंट हॉकी AKA इंटरनल डिस्ट्रक्शन में यूज़र अपने बॉडी से एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी एमिट कर सकता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि ओपोनेंट को डायरेक्टली डैमेज पड़ता है उससे। बाय द वे रियू इज़ नॉट एडवांस्ड आर्मामेंट हॉकी, ठीक है। रियू इज़ जस्ट सिंपल आर्मामेंट हॉकी, बट उसके यूज़ करने का तरीका नॉर्मल आर्मामेंट से अलग है। यूज़र उसमें अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में फ्लो करता है एंड एक पर्टिकुलर जगह उसे फोकस करके एनर्जी बाहर एमिट कर सकता है, लेकिन उससे इंटरनल डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज ही होता है। एक सिंपल बर्स्ट ऑफ एनर्जी ही यूज़र एमिट कर सकता है इसे यूज़ करके, बट इसी का स्ट्रॉन्गर वर्जन है इंटरनल डिस्ट्रक्शन। इंटरनल डिस्ट्रक्शन में वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी ओपोनेंट के बाहर तक लिमिटेड नहीं होता, स्ट्रॉन्गर है बोल के इट इवन डैमेजेस फ्रॉम इनसाइड एज आई सेड अर्लियर। एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हॉकी AKA फ्यूचर साइट में यूज़र कुछ सेकेंड्स फ्यूचर में देख सकता है। फ्यूचर साइट्स प्रिडिक्शंस नहीं दिखाता बल्कि फ्यूचर दिखाता है जो कि होगा ही अगर उसे चेंज ना किया जाए तो। एंड एट लास्ट एडवांस कॉन्करर्स हॉकी AKA कॉन्करर्स हॉकी इन्फ्यूजन, इसमें यूज़र अपने विल पावर को फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस यूज़ कर सकता है बाय इन्फ्यूजिंग इट विथ हिज और हर बॉडी और वेपन्स। यूज़र के किसी भी चीज़ पे कॉन्करर्स हॉकी इन्फ्यूज़ करने से उस चीज़ पे एक थिक हार्ड इनविजिबल लेयर सा बन जाता है, विच इज़ वाई जब इसे यूज़ करके यूज़र ओपोनेंट को हिट करता है तब ऐसा लगता है जैसे उसके अटैक्स टच नहीं कर रहे हैं। एक मैंने काफ़ी सरल भाषा में तुम्हें ये सब समझा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ हॉकी विच वी माइट सी इन द नियर फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्मामेंट हॉकी। जैसे मैंने पहले बोला कि आर्मामेंट हॉकी में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ होता है टू हार्डन और टू एमिट एनर्जी। ये जो एमिटिंग है इसे रियो बोला जाता है एंड इसी का एडवांस्ड वर्जन है इंटरनल डिस्ट्रक्शन। इसलिए व्हाट आई थिंक इसकी मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्मामेंट हॉकी समवॉट रिवॉल्व करेगा अराउंड द हार्डनिंग वर्जन ऑफ आर्मामेंट हॉकी। यू सी देर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज़ कि जब एक स्वॉर्ड या एक वेपन आर्मामेंट हॉकी से इन्फ्यूज होता है तब वो टूटता नहीं है। अभी तक हमने किसी भी हॉकी इन्फ्यूज्ड स्पोर्ट को टूटते हुए नहीं देखा है। इट्स पॉसिबल कि एक स्ट्रॉन्गर हॉकी ओपोनेंट अपने इन्फ्यूज्ड स्पोर्ट को यूज़ करके वीकर हॉकी ओपोनेंट के इन्फ्यूज्ड स्पोर्ट को तोड़ दे, बट वी हैवेंट सीन समथिंग लाइक दिस येट। सो व्हाट आई थिंक इसकी जिस वे में आर्मामेंट हॉकी को यूज़ करते हुए एक स्पोर्ट को अनब्रेकेबल बनाया जा सकता है फॉर सम टाइम, वैसे ही शायद आर्मामेंट हॉकी में एकदम मास्टर करने से यूज़र अपने बॉडी को भी अनब्रेकेबल और इम्पेनेट्रेबल बना ले फॉर सम टाइम। ऑब्वियसली यूज़र इतना ज़्यादा हार्डन कर ले अपनी बॉडी को कि उसका शरीर कटे ही ना इवन विथ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉकी अटैक्स। ये फॉर्म ऑफ आर्मामेंट हॉकी सिर्फ योंकोस एंड उनके लेवल के टॉप टीयर्स को ही आता है इन माई ओपिनियन। सम ऑफ यू माइट आस्क कि अगर ऐसा है तो फिर क्या काइडो बिगोम इसे वॉर के टाइम यूज़ कर रहे थे? मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि अगर वो करते तो उनके बॉडी में वो हार्डनिंग वाला ब्लैक इफेक्ट आता ना। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो इसे क्यों नहीं यूज़ करते डिफेंस के लिए? Why did they prefer कॉन्करर्स हॉकी इन्फ्यूजन ओवर दिस? वेल शायद इसलिए क्योंकि कॉन्करर्स हॉकी इन्फ्यूजन इज़ कंपैरेटिवली ईजी एंड मोर रिलायबल। तो फिर ये किस काम का है? Well, this can be used as the best offense and defense by those who don't have Conqueror's Haki. Sanji Jinbe ye chiz seekh ke Luffy Zoro ke attack power ke level ko touch kar sakte hain. I think this form of armament haki will be the best alternative of Conqueror's Haki infusion. And since ye most advanced form hai armament haki ka, user ko Conqueror's Haki infusion se bhi zyada mehnat karna padega isse seekhne mein. About the most advanced form of observation haki.
वेल, ऑब्जर्वेशन हॉकी रिवॉल्व करता है अराउंड सेंसेस एंड प्रिडिक्शंस, एंड फ्यूचर साइट दिखाता है कुछ सेकंड्स फ्यूचर का जिसे चेंज किया जा सकता है। इसलिए मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉकी भी समवॉट सेंसेस, प्रिडिक्शंस एंड फ्यूचर के अराउंड ही होना चाहिए। वेल, व्हाट आई थिंक इज कि इस हॉकी को पीक मास्टरी करने के बाद यूजर कैन नॉट ओनली सी द फ्यूचर बट ही कैन ऑल्सो सी द मल्टीपल फ्यूचर्स। लेकिन फ्यूचर तो एक ही दिखना चाहिए ना। वेल, व्हाट इफ यूजर कैन सी द आउटकम ऑफ हिज डिफरेंट चॉइसेस? यस, मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन हॉकी का मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म यूज़ करते टाइम यूज़र नॉट ओनली कुछ सेकंड्स फ्यूचर देखेगा बट वो ऑल्सो उन पॉसिबल फ्यूचर के कुछ सेकंड्स को देख पाएगा जिसके होने का गारंटी बिल्कुल नहीं है अनलेस वो कुछ हरकत ना करे। दिस पावर विल बी कम्प्लीटली अपोजिट टू द फ्यूचर साइट, क्योंकि फ्यूचर साइट में यूज़र के कुछ नहीं करने से जो फ्यूचर होगा वो दिखता है, बट इसमें यूज़र के कुछ करने से क्या क्या फ्यूचर हो सकता है वो दिखेगा। विद दिस पावर यूज़र कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन टू टैकल अ सिचुएशन। शाउट आउट टू लॉर्ड ऑफ हरामी, हरामी चीचा, शाउट आउट टू यू। ये वाले पॉइंट को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था बट ये सर हमारी हेल्प किए इस चीज़ को फिगर आउट करने में, तो या थैंक यू हरामी, लेट्स गो। एंड फाइनली द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्करर्स हॉकी, इसके लिए तो मैं पूरा वीडियो बना रहा भाई। अ बिग शाउट आउट टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंटरटेनमेंट विद इंडियन, ही शेयर दिस थ्योरी इन वन ऑफ माई वीडियोज एंड इन्होंने मुझे परमिशन भी दिया इसे यूज़ करने का इन माई वीडियो। वेल, इन्होंने ये बोला कि कॉन्करर्स हॉकी के हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के बाद यूज़र लिटरली एक जोन सा बना सकता है अराउंड हिमसेल्फ। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉन्करर्स हॉकी। इस जोन में यूज़र का जो स्पीड एंड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है एंड एट द सेम टाइम यूज़र का जो ओपोनेंट है उसका स्पीड और स्ट्रेंथ ड्रॉप कर जाता है थोड़ा सा। एंटरटेनमेंट भाई ने इसे बेस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दिया है रिसेंट शैंक्स वर्सेस किड फाइट का एंड वन पीस फिल्म रेड के शैंक्स वर्सेस किजारू सीन का। रिसेंटली जब शैंक्स ने किड को वन शॉट किया, वी सॉ शैंक्स मूविंग वेरी फास्ट। योंको के हिसाब से भी भाई शैंक्स बहुत ज़्यादा ही फास्ट मूव किया। वन पीस फिल्म रेड के हरकतें वैसे नॉन कैनन थी बट जो शैंक्स का पावर लेवल हमें उस मूवी में दिखा था वो कैनन था। शैंक्स ने किजारू जो कि लिटरली लाइट है उसे ओवर स्पीड किया। इवन इन मरीनफोर्ड आर्क शैंक्स अकाइनो के सामने अचानक से प्रकट हो गया था। मे बी दिस इज़ बिकॉज शैंक्स एक जोन बना के चलता है अराउंड हिमसेल्फ। इसी जोन में आने की वजह से वाइट बेट का शिप टूटने सा लग जा रहा था एंड इसी जोन में आने की वजह से वाइट बेट के कुछ क्रू मेंबर्स बेहोश हो जा रहे थे इवन वेन शैंक्स हॉकी बर्स्ट नहीं मार रहा था। ऑब्वियसली इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, जैसे कि इस चीज़ को यूज़ करके यूज़र शायद काफ़ी जल्दी थक जाएगा एंड शायद उसको ढंग का रेस्ट चाहिए होगा आफ्टर यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दिस जोन थिंग इज समवॉट सिमिलर टू लॉज रूम एंड शायद इसी जोन को बिग मॉम काइडो ने भी क्रिएट कर रखा था इन रूफटॉप फाइट, जिसकी वजह से उन पर लॉ का शैम्बल्स वर्क नहीं कर रहा था। एंड इस जोन में सर्वाइव करने का शायद एक ही तरीका है, खुद का एक कॉन्करर्स हॉकी जोन बना देना। क्या इसी रीज़न से थ्रू आउट द फाइट लूफी काइडो से स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा था? मे बी दिस इज समहाउ लाइक ब्रिमस्टोन का स्टिम बीकर लमाओ, नहीं रेना का अल जैसा है ये, बस सामने वाले को भी वीक करता है ये। विद दिस आई कंक्लूड दिस थ्योरी एंड वीडियो, दैट्स इट। ये सब थ्योरी था इसलिए ज़्यादा सीरियसली मत लेना। वंस अगेन शाउट आउट टू एंटरटेनमेंट विद इंडियन एंड हरामी तुझे भी। सब्सक्राइब द चैनल, 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। लाइक द वीडियो इफ यू वांट टू एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।